वहीं कुपवाड़ा के हथपुला में पुल न होने के चलते आम आवाम को यहां खासी मशक्कत का सामना करना पड़ता था। 20 साल पहले फंड की कमी के चलते पुल की तामीर को रोक दिया गया था, लेकिन एक बार फिर इसकी तामीर का काम शुरू किया गया है। देखिए रिपोर्ट। कुपवाड़ा के हथमुला में पुल नहीं होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तकरीबन 20 साल पहले पुल का काम शुरू हुआ था, लेकिन फंड की कमी के चलते पुल का काम पूरा नहीं हो सका, जिसके चलते मकामी लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पुल के ठप पड़े काम को सरकार की पहल के बाद फिर से शुरू किया गया। हालांकि मकामी लोगों ने ये भी कहा है कि वक्त रहते काम को पूरा कर लेना चाहिए, बर्फबारी शुरू होने के बाद काम रुक जाएगा, लिहाजा हुकूमत को काम में तेजी लानी चाहिए। हम शुक्रगुजार हैं इस गवर्नमेंट के, खासकर गवर्नर साहब के, इस पुल को काम लग गया है। मगर हम दूसरे तरीके से अपील करते हैं इन लोगों को, यहाँ अब सैले आने वाले हैं, बर्फ पड़ने वाला है, तो अगर इसको जल्दी हो जाती तो हम भी आराम करते थे। जब इसको काम नहीं लगेगा, काम बेकार हो जाएगा, फिर सर्दी आएगी, सर्दी में ये काम चलने वाला नहीं है। वहीं आवाम ने पुल का काम फिर से शुरू करने पर सरकार का शुक्रिया भी कहा। मगर अत कदलस गई अस इंतजार कर आज 15 वरी 10 वरी अक बना अठ बना यह तम पे त्रास बे अना कान बे बंद मंसा बे कला बे बंद अम छन कपार निश हंदवार निश सरनगर निश कानस्टोन से छल ग अट बड़ शुक्र गुजार बड़ शुक्र गुजार सठा शुक्र गुजार हेको अत बारस मन कूत करो शुक्र अस लम दोबारा अत त्रिम हल तो अत अगर गौर खोज गे तम मान गो कुन शहर सम मान कुन मुल्क सम मान वनस अक मुल्क हिसाब निक मुल्क निंदुस्तान तो नई कह इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने भरोसा दिया है कि पुल का काम जल्द से जल्द पूरा होगा। जानता हूँ कि अभी क्योंकि जस्ट पिकअप किया है बहुत सालों के बाद में, तो इसलिए मुझे लगता है कि उसकी स्पीड जो है वो थोड़ी सी स्लो हो सकती है, लेकिन उसको और एक्सपेडाइट करने की आने वाले दिनों में कोशिश की जाएगी। और उसके साथ साथ बाकी भी कुछ ऐसे लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स होंगे और जो इन्फॉर्मेशन आपके माध्यम से पहुंचेगी उसको और एक्सपेडाइट करने की। अब देखना होगा कि ये पुल कब तक बनकर तैयार होगा और कब आवाम की मुश्किलें खत्म होंगी। कुपवाड़ा से मुश्ताक वानी की रिपोर्ट।